रिंकू धवन हुई शो से एलिमिनेट, मुनव्वर फारूकी हुए इमोशनल। वहीं सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार एपिसोड में हमें देखने को मिला सलमान खान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं धर्म पाजी, मिक्का सिंह, सोहेल और अरबाज के साथ। साथ ही साथ यहां पर अरबाज की नए मैरिज का भी सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आता है। इसी वक्त सलमान कहते हुए नजर आते हैं कि एक कंटेस्टेंट का सफर इस घर में अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं अभिषेक, नील भट्ट, रिंकू धवन और आयशा खान। वह सलमान यहाँ घर वालों से कहते हुए नजर आते हैं कि किसी एक कंटेस्टेंट का सफर कम वोट्स की वजह से इसी वक्त खत्म होने वाला है। लेकिन सलमान की बातों को कोई भी घर वाले सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। अंकिता लोखंडे, मन्नारा चोपड़ा सभी यही कहते हुए नजर आते हैं कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है तो ऐसे में कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं होने वाला है। लेकिन सलमान सभी को बड़ा झटका देते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि रिंकू शो से इसी वक्त एलिमिनेट होती है, जिसे सुनने के बाद सभी घर वालों को काफी बड़ा झटका लग जाता है। वह यहाँ पर मुनव्वर फारूकी, अभिषेक, नील भट्ट सभी रिंकू के जाने से काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन रिंकू इस शो से जाने को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो बाहर जाकर अपने बेटे से मिलने वाली है। रिंकू कहती हुई नजर आती है कि उनके लिए बिग बॉस शो सलमान खान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है और वो इस शो में आकर सलमान से मिली, इस शो का पार्ट बनी, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। वल मुनव्वर फारूकी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आते हैं। अंकिता लोखंडे और विक्की उन्हें कंसोल भी करते हुए दिखाई देते हैं। विक्की कहते हैं कि ये डे मुनव्वर के लिए बहुत ही ज्यादा हैवी है, ये बात उन्हें पता है, लेकिन उन्हें अपने आप को संभालना होगा। मुनव्वर रिंकू के जाने से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं देते। वहीं रिंकू जाते वक्त मुनव्वर फारूकी से और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की रिक्वेस्ट करती हुई नजर आती है। साथ ही साथ अभिषेक से भी घर के अंदर अच्छे से रहने को कहती है। वेल, आपका रिंकू के हुए एविक्शन पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।